मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोना मेहता और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। हाय सोना। हाय प्रदीप। प्रदीप, तो बाजार में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। इतने दिनों के सेल ऑफ के बाद फाइनली एक रिकवरी आई है। निफ्टी 11,000 के ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट आई थी, लेकिन आज 300 पॉइंट की जबरदस्त तेजी। मिड कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो कुछ जो स्टेटमेंट्स बाजार में आए हैं, जैसे LIC ने कहा कि हम आईएलएन एफएस को कोलैप्स नहीं होने देंगे, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इतने बड़े मार्केट में जहां पर दिक्कत बनी हुई, लिक्विडिटी का सवाल उठ रहा है, वहां पर कंपनी ने कमर्शियल पेपर्स के जरिए पैसे जुटा लिए है और कुछ कंपनियों ने भी ये किया है, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप जरूर हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है कि आगे भी ये बना रहेगा, ये तेजी शायद बनी रहेगी, क्योंकि रुपया और क्रूड तो अभी भी हमारे हाथ में नहीं चल रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, एक मीडियम टर्म ट्रेंड है जहाँ पे इस सीरीज की शुरुआत से हम कमजोरी देख रहे हैं रुपए में गिरावट और क्रूड में गिरावट के चलते। तो क्रूड चूंकि अभी भी और मजबूती हो रहा है, 82 की तरफ आज दिखाई दिया है, तो वो दिक्कत, वो चिंता बरकरार है। लेकिन बाजार में जो पैनिक फैला है पिछले शुक्रवार से लेकर के पिछले 3 दिनों का जो पैनिक था, वो हमें लगता है कि अब खत्म हो चुका है आज के दिन। और आखिरी घंटे के दौरान बिल्कुल अनइक्विवोकल कॉल थी हमारी, बिल्कुल साफ तौर पे हम लगातार कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी अहम खबरें हैं, बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, आज मंदी की पोजीशन लेकर मत जाइए, मंदी की पोजीशन काट कर जाइए। और ये एक शॉर्ट टर्म की बॉटम बनती हुई हम देख रहे हैं। अब यहाँ से एक बाउंस आने के बाद फिर बाजार सोचेगा कि आगे अब $82 के क्रूड का क्या करना है, उस समय आपको फिर से प्रेशर दिख सकता है। लेकिन एक बार की वो शॉर्ट टर्म की चिंता पूरी हो गई, क्योंकि देखिए ILNFS को लेकर LIC चेयरमैन का बयान आ गया कि वो उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, अपना हिस्सा भी बढ़ाएंगे, तो वहां से फंड इन्फ्यूजन आ जाएगा। ILNFS की दिक्कत यही है कि उनको जो इमीडिएट पेमेंट करने हैं उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, एसेट्स तो हैं, जब तक वो एसेट्स बेचे जाएंगे वहां से पैसे आएंगे उसमें वक्त लगेगा, तो वो वक्त मिल गया बाजार को, इसलिए ये राहत की बात है। और दूसरे जो बाजार की चिंता थी कि NBFCs को बड़े ऊंचे रेट पे पैसे मिल रहे हैं, इनकी हालत खराब है, लोगों को इन पर भरोसा नहीं है, तो आज एक के बाद एक 3 NBFCs, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए, ग्रो फाइनेंस देखिए और फिर आदित्य बिरला, इन सभी ने फंड रेज करके दिखा दिया कि अच्छे रेट पे पैसे तो मिल रहे हैं, तो फिर दिक्कत तो खत्म हो गई। अच्छा चलिए, एक सवाल बनता है यहाँ पर, DHFL ये कब रिकवर होना शुरू होगा या फिर रिकवर नहीं होगा, अभी भी दिक्कतें हैं DHFL में। जो पैनिक हमने शुक्रवार को देखा था, हम फिर आज भी करीब करीब उन्हीं लेवल के आसपास गए, तो जो कॉन्ट्रेरियन ट्रेड हैं, मजबूत दिल वाले, उन्होंने उन लेवल्स पर आज खरीदारी जरूर की होगी मुझे लगता है। ऐसे पैनिक लेवल्स जब आपको आते हैं तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ लोग एंट्री लेते हैं। हम अभी ये नहीं कह सकते कि कंपनी के सामने आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जब दूसरी कंपनियों की दिक्कतें दूर हुई हैं तो DHFL की भी दूर होंगी ऐसी पूरी उम्मीद है। अब अगर वो भी एक फंड रेज करके साबित कर दें कि देखिए हमको भी पैसे मिल रहे हैं, तब बात और है। लेकिन इतनी पिटाई के बाद मुझे लगता है कि अब यहाँ भी और गिरावट आनी मुश्किल है। चलिए ठीक है। अच्छा अश्विनी कुमावत जी पूछ रहे हैं यस बैंक, इसका बाय लेवल क्या बनता है? तो आज भी इस शेयर में गिरावट आई है, बोर्ड बैठक जो मानी जा रही थी उसका आउटकम कुछ आ जाएगा शायद, उसकी वजह से ये गिरावट आई। यस बैंक का बाइंग लेवल एक्चुअली क्या बनता है? यस बैंक ऊपर से आधा हो चुका है, तो जब कोई स्टॉक आधा हो जाता है और उसकी देखिए यस बैंक की आमदनी, उसकी बुक वैल्यू, उसकी नेटवर्थ, उसके NPA, उसकी अर्निंग्स, EPS, किसी पे फर्क नहीं पड़ा है, तो वैल्यूएशन आधे हो गए, यानी पहले जो लेवल था, जो प्राइस टू बुक जो पी था, अब आधे पे मिल रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव तो हो ही चुका है। लेकिन अब यहाँ पे अनिश्चितताएँ हैं, लोगों के दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं, पर यहाँ भी मुझे लगता है कि जो लोज हमने बनते हुए देखे हैं आज 200 के आसपास के, यहाँ पर भी अब इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे टिकना चाहिए, यहाँ से और गिरावट आने की संभावना कम दिखती है। लेकिन आज एक बहुत ही अहम बोर्ड मीटिंग हो रही है और उस बोर्ड बैठक से ये साफ होगा कि यस बैंक क्या चाहता है, क्या यस बैंक का मैनेजमेंट RBI की बात मान करके राणा कपूर साहब को चुपचाप रिटायर कराने वाला है, या राणा कपूर एक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, अपनी भूमिका किसी ना किसी तरह से बैंक में बनाए रखने वाले हैं, वो सारी चीजें साफ होंगी जो अभी तक हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर लंबा व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अट्रैक्टिव तो हो गया है, अब आगे ये थोड़ी सी और कहानी स्पष्ट हो जाएगी तो शायद हम बेहतर कॉल ले पाएंगे। चलिए ठीक है। अच्छा विरल जी पूछ रहे हैं बायोकॉन इस पे क्या व्यू बन रहा है? तो फार्मा एज अ स्पेस तो जबरदस्त बूस्ट कर रहा है और उसमें बायोकॉन तो डेफिनेटली पसंदीदा शेयर बना भी हुआ है। बायोकॉन के स्टॉक पर हमारी हमेशा से नजर है और एक बुलिश व्यू बना रहा है। आज के बाजार में खास तौर पे हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर ने एक बॉटम बनाया है और फार्मा ने लीड भी किया जब बाजार कमजोर भी थे, क्योंकि रुपया अभी भी यहाँ से थोड़ा कमजोर होता हुआ ही हमें दिख रहा है। ऐसे में जब बाजार पूरा का पूरा चल रहा होगा तो आपको शायद कल के ट्रेड में ज्यादा एग्रेसिव सेक्टर्स तेजी करते दिखाएं,
लेकिन जब बाजार थोड़ा सा थमेगा तो फिर फार्मा में और एक तेजी बनेगी। तो फार्मा रिलेटिवली सेफ जगह है इस समय ट्रेड करने के लिए, सेफर सेक्टर है और वहां पर बायोकॉन एक अच्छा स्टॉक। अच्छा, रानपुरा मनीष जी पूछ रहे हैं, सोनम जी लास्ट फाइनेंस आईपीओ, इसको क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए खरीदना चाहिए? तो आवास फाइनेंस, सोनम ने आवास लिखा है, तो आवास फाइनेंशियर्स जो नया आईपीओ खुला है, आज ही खुला है, इसमें पूछ रहे हैं कि क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए आज हमें इसको निवेश करना चाहिए? नहीं तो मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि हम एक फाइनेंस कंपनी या फिर हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी में निवेश करें। आवास का मतलब क्या होता है? घर, हाउसिंग, आवास फाइनेंस यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी खासतौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में लोन देती है, वहाँ पर भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हाउसेज जो हैं, अगर आप खुद, तो बड़े शहरों की तो बारी नहीं आती, छोटे शहरों में, कस्बों में, जहाँ पर आप खुद से ज़मीन लेकर उस पर घर बनाते हैं, उसके लिए कर्ज देते हैं। तो ये वो ऐसा सेगमेंट है जिस पर हाइप बहुत ज़्यादा हुई लेकिन कामयाबी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। तो एक छोटा मार्केट है, उस छोटे मार्केट में ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनका 12-13% के आसपास का मेरे ख्याल से मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका है। और इस कंपनी में रफ्तार जो है ग्रोथ की बहुत तेज़ दिखाई दी है, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन भी उतनी महंगे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी की परिस्थितियों में अगर आप देखें कि इस वैल्यूएशन पे क्या मुझे शेयर लेने चाहिए, इन्होंने, इनके जो खास एक बड़े फाइनेंसर हैं, पी फंड है जो होल्ड करते हैं, केदारा कैपिटल, उन्होंने मार्च में करीब 400 रुपए के लेवल पर यहाँ पर पैसे लगाए थे और शेयर खरीदे थे, और अब 6 महीने के बाद वो आम निवेशकों को 820 रुपए पर डबल वैल्यू पे शेयर बेचना चाहते हैं। तो क्या कंपनी की वैल्यू वाकई में 6 महीने के अंदर दुगनी हो गई है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं शेयर होल्डर्स के दिमाग में, उनको ये लगता है कि इस वैल्यूएशन पे इस समय इस स्टॉक को लेना बहुत बहुत क्लियर, बहुत क्लीन ट्रेड नहीं है। बाजार का माहौल देखते हुए क्या आप ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? महंगी कंपनियां हम रेकमेंड करते रहे हैं, महंगी कंपनियों में लोगों ने पैसे लगाए हैं, महंगे वैल्यूएशन से ये बाजार डरता नहीं जब तक ग्रोथ है। तो यहाँ ग्रोथ तो है लेकिन बाजार का माहौल इतना अच्छा नहीं है, और ऐसी स्थिति में इस इशू में ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्टीप हाई वैल्यूएशन है। बाजार में शायद आपको फिर एंट्री लेने का मौका मिलेगा, तो तब लिस्टिंग गेन्स के लिए आसर डेफिनेटली जब बाजार में थोड़ी सी शांति हो जाए उसके बाद लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, सवाल कुशल पटेल का आ रहा है आदित्य बिरला कैपिटल पर। आज हेमंत सर भी आखिरी सौदा के वक्त शेयर के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे आपने भी कहा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, ग्रुप फाइनेंस है, ये कंपनियां पैसे उठा रही है मार्केट में ऐसे खराब हालत में भी, तो लिक्विडिटी की इशू है। हाँ, ये देखिए रॉक बॉटम वैल्यूएशन पे सारे स्टॉक्स आ गए हैं, तो यहाँ पर बाउंस जरूर आएगा, लेकिन इस समय के माहौल में गिरावट के बाद जब आपके पास मौका बनता है तो क्या आप आदित्य बिरला लेना चाहेंगे, या आपको इसके अलावा इससे बेहतर ऑप्शंस भी इसी सेक्टर में इस समय मिल रहे हैं, तो क्या आप वो नहीं ले लेंगे? क्योंकि वहाँ पर भी गिरावट आई है, वो भी बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ मौका ही नहीं मिलता, बजाज जैसे, जो कि आज के इस माहौल में आपको नीचे मिल रहे हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप ध्यान दें, वहाँ पर जोर लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे रिटर्न आएंगे। अच्छा, आशीष दुबे जी पूछ रहे हैं स्पाइस जेट, मेरे ख्याल से उनके पास 97 की कॉस्ट पे है, तो पूछ रहे हैं क्या और एवरेज कर देना चाहिए शेयर को? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से नई तेजी शुरू हुई है, देखिए कच्चा तेल 60 से 80 की रेंज में बहुत सालों से चल रहा था, अब ये जो चलना शुरू हुआ है, अब लोग कह रहे हैं इसकी नई रेंज 80 से 100 की हो गई है। मुझे नहीं पता, कॉल लेना बहुत मुश्किल है, $80 के ऊपर का क्रूड पचाना इस समय दुनिया की इकोनॉमी के लिए मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की बात जो हम सुन रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि 80 के ऊपर का क्रूड हम पचा नहीं पाएंगे, तो शायद बहुत दिनों तक क्रूड इस लेवल के ऊपर टिकेगा नहीं। लेकिन अगर टिका रहता है तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो ऐसे सेक्टर्स पे पड़ेगी जिनको, जिनके लिए क्रूड सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, जिनके, जिनकी आमदनी पे तुरंत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी एक ऐसा ही सेक्टर है एविएशन, इसका तो सबसे मेजर 40% के आसपास कॉस्ट क्रूड होती है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न नहीं आएगा, इसलिए एवरेज करने की जगह गिरावट में, देखिए जरूरी नहीं है कि आपने ऊपर जो शेयर लिया था आप उसी को एवरेज करें, गिरावट में अच्छा शेयर भी आप एवरेज कर सकते हैं किसी और सेक्टर का जहाँ पर रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। आपको आपके नुकसान की भरपाई करनी है इसी शेयर में करनी है, ये तो जरूरी नहीं है। तो आप कोई फार्मा स्टॉक लीजिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आगे एक अच्छी बैंक या NBFC जिनकी बहुत पिटाई हुई है, थोड़ा बाजार संभलता हुआ नजर आए, जब बॉटम बनने के पक्के संकेत हो तो आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अभी बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुई है इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, विवेक यादव जी पूछ रहे हैं मारुति और HDFC बैंक अभी सही वैल्यूएशंस है क्या, ले लूं क्या 5-10 साल के लिए? तो मारुति और HDFC बैंक दोनों शेयर में कल एक गिरावट आई थी, आज थोड़ी रिकवरी वापस आ गई, बल्कि कल 3% गिरा, आज 3% वापस चढ़ गए। 10 साल के लिए अगर आपको शेयर लेना है तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप धीरे धीरे लेते रहें, तो हर क्वार्टर में लीजिए,
और अगले साल दो साल तक लेने के प्लान में रहिए तो आपको एक अच्छे लेवल पर ये एवरेज होकर के शेयर मिलेंगे। और इस समय तो लेवल्स अट्रैक्टिव हैं मेरे ख्याल से, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने उस निवेश की तो आपको कर लेनी चाहिए। लंबी अवधि के लिहाज से ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप वाकई 10 साल के नज़रिए से शेयर लेते हैं तो वो इस तरह के मार्केट में नहीं लिए जाते। एक तो इस तरह के मार्केट में आप पैनिक में थोड़े थोड़े शेयर खरीद सकते हैं, और उसके बाद जब भी बाज़ार में मंदी आती है, क्योंकि बाज़ार में हमेशा तेज़ी नहीं रहती, देखिए 3 से 5 साल में एक बार बाज़ार में बड़ी गिरावट आती है, एक बड़ी मंदी आती है, उस समय आप शेयर लेकर के 10 साल के लिए फिर उसको रखते हैं, तब आपको शानदार रिटर्न मिलते हैं। लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल सही है कि ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में जब जो तेज़ी का है, जहां वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वहां आपको शेयर लेना है तो अच्छा शेयर बड़ी गिरावट पे ले रहे हैं, आपको मैं बधाई दूंगा आपकी सोच के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, तो थोड़े शेयर लीजिए लेकिन जगह रखिए। अच्छा, अजय सिंह पूछ रहे हैं कि यहाँ पर HDFC बैंक, अच्छा HDFC बैंक पर हमने बात ऑलरेडी कर ली है, कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक, ये दोनों स्टॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है? बोल रहे हैं कि होल्ड करें या फिर बाय करने का और मौका मिलेगा इसमें? इसमें मौका मिलता रहता है, और भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो जब भी पैनिक आएगा और जब भी फाइनेंशियल्स की पिटाई होगी तो उनमें ये दोनों स्टॉक्स पिटते ही हैं। इसकी एक ही वजह है, वजह ये है कि अभी इनका मर्जर का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। जब ये प्रोसेस चलता है उस दौरान कंपनी में आपको अच्छी ग्रोथ या अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो बाजार को ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे अर्निंग्स बहुत ज़ोरदार कुछ आगे नहीं आने वाली है अभी, तो आप आराम से रहिए और यहाँ पर मंदी कीजिए। तो ये एक ओवरहैंग है। इन स्टॉक्स को अगर आपको लेना है तो जब भी बड़ी गिरावट में आए तो थोड़ा थोड़ा आप लेते रह सकते हैं, और फिर आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। ये हमने लगातार कहा है कि आप ये स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम 5 साल के नज़रिए से लीजिए। जब इनका विलय हो जाएगा, एक बैंक बन जाएगा, और उसमें फिर जब कारोबार अच्छा होना शुरू होगा, जब ग्रोथ दिखाई देगी, मुनाफा दिखाई देगा, तब आपको रिटर्न आएगा, तो वेटिंग पीरियड लंबा। चलिए ठीक है। अच्छा, दिनेश सोलंकी जी पूछ रहे हैं PNB, इसको बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड ही करना चाहिए? तो PSU बैंक्स के लिए अभी क्या व्यू पॉजिटिव हुआ है अभी भी प्रदीप? एक्चुअली तो नहीं हुआ है। आज एक बहुत ही अहम बैठक चल रही है वित्त मंत्री के साथ, उसमें से क्या आता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस समय जो सरकारी बैंकों के ऊपर दबाव बना है उसके पीछे बड़ी वजह है ब्याज दरों में बढ़ोतरी, और कच्चा तेल अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो ब्याज दरें अभी और बढ़ सकती हैं। पूरा अनुमान है कि फेडरल रिजर्व और RBI दोनों ब्याज दरें बढ़ाएंगे, तो जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड के दाम गिरते हैं, और चूंकि इन PSU बैंकों के पास बड़ा बॉन्ड पोर्टफोलियो है तो इससे उनको नुकसान होता है। इसलिए PSU बैंक्स के लिए वक्त अभी भी मुश्किल का ही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय इसमें तुरंत खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। बेहतर ऑप्शंस हैं, बेहतर सेक्टर्स हैं, पूरे बाजार में तमाम स्टॉक्स पे गिरावट आई है तो आप कहीं और ढूंढिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रदीप, ये सवाल उठ ही गया है तो मैं पूछ लेती हूँ। आपने कहा बैंक की लेना है तो एक्सिस बैंक लीजिए। बिल्कुल, प्राइवेट साइड ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा प्रदीप, जो अक्टूबर में अभी क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें भी एक्सपेक्टेशन यही रखी जा रही है कि रेट हाइक देखने को मिलेगा, क्या बाजार ने उसे पचा लिया है या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर बाजार को फिर से थोड़ा सहना पड़ेगा इसके कारण? क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, इसको बाजार ने कैसे पचाया है, कितना पचाया है, ये कैसे तय होता है कि बॉन्ड के दाम कैसे चल रहे हैं। तो अगर आप बॉन्ड मार्केट पे नज़र डालें तो वहाँ पर जिस तरह से हम 8 से 8.25 की रेंज में 10 साल के बॉन्ड को जाते हुए देख रहे हैं, तो उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बॉन्ड मार्केट को अंदाज़ा है कि रेट बढ़ेंगे, और हाल में तो शायद हम एक नहीं दो रेट हाइक को पचा रहे हैं ऐसा लगता है। तो दोनों रेट हाइक एक साथ नहीं आएगी, लेकिन एक अभी अक्टूबर में और फिर एक दिसंबर में आएगी। अब ऐसे अनुमान बाजार में लगने लगे हैं और वो भी काफ़ी हद तक बाजार डाइजेस्ट कर रहा है, तो इसको बाजार को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाजार को पता है अभी, अब हमारे इन करंट लेवल्स पे इस वैल्यूएशन में एक रेट हाइक अक्टूबर वाली तो डिस्काउंटेड है। चलिए ठीक है। प्रवीण जी पूछ रहे हैं ITC पर क्या व्यू बन रहा है? तो आज खबरें थी कि जो स्ट्रेस लग सकता है, डिजास्टर स्ट्रेस, उसका इम्पैक्ट सिगरेट कंपनीज पे आ सकता है, क्योंकि कुछ ही पर्टिकुलर चीजों पे होने वाला है ये स्ट्रेस जो आएगा, वो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे पड़ सकता है। 4 से 5% तक का आता है तो वो पचा लेगा ITC, लेकिन उससे ज्यादा होता है तो ITC शायद नहीं पचा पाएगा। पर ITC तो हर तरह का स्ट्रेस पचा ही लेता है, ITC को कोई दिक्कत है अभी भी? ITC के जो कंज्यूमर हैं वो हर तरह का सेस पचा लेते हैं, और के जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो जो भी दाम बढ़ते हैं उसको पे करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ITC पे हमने लगातार आपको कॉल दी है, हमें लगता है 290 के आसपास के लेवल बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, जिस पे एक स्टॉक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके आसपास जब भी मौका मिले तो खरीदिए। ITC ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको आप लगातार ट्रेड कर पाए, लेकिन इसकी रेंज पकड़कर अगर आप ट्रेड करेंगे और उस रेंज के हिसाब से अभी हमें लगता है कि इसकी इसके लिए आपको खरीदारी का मौका
जब भी मिलता है आपको उसका फायदा उठाना चाहिए और करीबन 30-40 रुपए की रेंज में घूमता रहता है और उस रेंज को आप कभी भी ट्रेड करते रह सकते हैं, वही ज्यादा सही तरीका होता है। तो जब भी सपोर्ट के आसपास आता है, ऐसी बुरी खबरें आती हैं, उस समय आप एंट्री लें, फिर आराम से होल्ड करें और एक आध 8-10% का रिटर्न देके फिर वहां से निकलिए, फिर इंतजार कीजिए किसी और बुरी खबर का, फिर नीचे आएगा, फिर लीजिएगा, वो बुरी खबरें भी आती रहती है। चलिए ठीक है। अच्छा उमेश पाठक जी पूछ रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और बीएल इन दोनों स्टॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है। तो बीएल अभी भी पिटा हुआ है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पूरा रियल एस्टेट स्पेस के साथ पिट रहा है, ये दोनों शेयर के लिए कोई भी व्यू बन रहा है इस वक्त? नहीं, मेरे फेवरेट स्टॉक्स में ये नहीं है, मैं इनको बहुत क्लोजली इस समय वॉच नहीं कर रहा हूँ। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि इससे बेहतर मौके बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में मिल रहे हैं। अगर मुझे खरीदना ही है इस तरह के मार्केट में, आप हमेशा ध्यान रखिए कि चढ़ते बाजार में आप लैगार्ड्स के साथ चल सकते हैं कि मार्केट लीडर बढ़ गया और उसके बाद आप सेकंड लाइन वाला स्टॉक लेते हैं जो अभी भी थोड़े कम वैल्यूएशन पे है, तो वो वैल्यूएशन थोड़ा कवर करता है। लेकिन गिरते बाजार में हमेशा अच्छे से अच्छा बेस्ट हर सेक्टर का लीडर खरीदना चाहिए, उसके बाद फिर जब बाजार आगे अपना बेस बनाएगा फिर से चलेगा तब हम सेकंड लाइन के बारे में सोचेंगे। तो इस समय तो सिर्फ और सिर्फ नंबर वन, सिर्फ ए ग्रेड वाले स्टॉक की खरीदी। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ सवाल आ रहा है एचडीएफसी एएमसी इसमें क्या करना चाहिए। प्रभात जी पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी, तो एचडीएफसी के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में एक पिटाई देखने को मिली थी और ये एक शेयर है जो भी खुद पिटा था, लेकिन इतना नहीं जितने दूसरे शायद कंपनीज में देखने को मिला था। तो ये कंपनी अभी भी फेवरेट बनी हुई है HDFC AMC? तो देखिए चूंकि हाल की लिस्टिंग है इसलिए इसमें इसका कोई प्राइस लेवल कोई रेंज तय तो थे नहीं, तो जब प्रेशर आया तो ये काफी पिटा और जिनके पास था उनको मुनाफा मिल रहा था। और लोगों की ये एक बुरी आदत है कि जिस स्टॉक पे मुनाफे पे होते हैं वही बेच देते हैं जब प्रेशर आता है, तो और जो लॉस वाले होते हैं उसको रखे रहते हैं, तो वही लोगों ने किया, हर बार होता है। तो इसमें जिनके पास नहीं था उनके लिए खरीदारी का मौका है। मुझे लगता है कि अब आपको HDFC AMC पे खरीदारी करनी चाहिए, अच्छी पिटाई हो चुकी है इस लेवल पर और जो एक डर अभी पैदा हुआ था हाल में वो SEBI की मीटिंग के बाद, तो आमतौर पे राय यही बन रही है कि जो अच्छे बड़ी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं वो अपने कमीशन में कटौती करके अपनी कॉस्ट को कवर कर लेंगे, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों को, इन बड़े एसेट मैनेजर्स को ज़रूरत नहीं है ब्रोकर की या एजेंट की। लोग खुद सामने से कहते हैं कि हमको आदित्य बिरला का ये फंड चाहिए, ये स्कीम चाहिए, तो इसलिए इनके पास स्ट्रेंथ है। जो छोटे AMCs हैं उनको शायद उनके मुनाफे पर असर आएगा लेकिन बड़ी AMCs पे नहीं आएगा, ये राय बन रही है। तो इसको देखते हुए भी यहाँ पर रिकवरी का मौका बनता है। सारी बुरी खबरें हैं, पचा चुका है, सब कुछ आ गया है, देखिए सब कुछ बाजार को पता है, आज के भाव में है सब कुछ, तो ऐसे में खरीदारी का मौका है। अच्छा एक तारीफ आई है हमारे लिए, प्रदीप पुरजित रॉय जी पूछ रहे हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन मार्केट का पंचनामा के लिए सोनम और प्रदीप सर है। वाह वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। और HDFC AMC का उन्होंने भी व्यू मांगा था जो हम दे चुके हैं। ओके सो अभी अगला सवाल आता है, वक्त तो नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है एक सवाल लास्ट ले लेते हैं। चलिए एक लास्ट सवाल यहाँ पे बन रहा है, इंटरेस्टिंग स्टॉक निकालने की कोशिश करिए। अच्छा श्याम सुंदर अग्रवाल जी पूछ रहे हैं टाटा स्टील के लिए क्या टारगेट बनेगा, मेटल एज ए स्पेस कैसे लगता है प्रदीप? और एक साहिल कक्कर साहब ने रेडिको पे पूछा है, मैं उसका भी जवाब दूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट स्टॉक है, हालांकि फेवरेट प्रोडक्ट्स इसके नहीं है अभी तक, मैं फिलहाल तो नॉन ड्रिंकर हूँ। तो टाटा स्टील पे व्यू काफ़ी वक्त से पॉजिटिव था लेकिन इस समय जो एक ट्रेड वॉर का सिनेरियो पैदा हो रहा है और करेंसी वो सब जो चक्कर होते हैं उससे दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा व्यू नरम है। ऊपर से करेक्शन हमने आते हुए देखा है, अभी मैंने इसको रिव्यू नहीं किया है कि क्या फिर से यहाँ पर मौका बन रहा है तुरंत एंट्री लेने का या नहीं, एक आध दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी तो हम आपको ज़्यादा स्पष्ट व्यू दे पाएंगे। आज लेकिन बाजार में जब रिकवरी शुरू हुई तो मेटल्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, लेकिन ये ट्रेंड भी कल तक कंटिन्यू होता है तो फिर हम इस पर एक नया व्यू लेंगे। मेरी राय यही है आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है लेकिन ओवरऑल लंबा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है टाटा स्टील पे वो पॉजिटिव है। इमीडिएट ट्रेडिंग का व्यू कि आपको यहीं पे फिर से एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, ये इसको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। एक और स्टॉक जो मैंने कहा था रेडिको खेतान, इस पर एक सवाल आ रहा है और रेडिको खेतान पे जब ASM के दायरे में आने की वजह से गिरावट आई थी तब भी हम ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और इस कंपनी ने काफ़ी नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं और अब ये प्रीमियमाइजेशन करने की कोशिश में है, बेहतर प्राइस पे बेहतर ब्रांडिंग के साथ लॉन्च कर रहे हैं और देश के बाहर भी जा रहे हैं और वहाँ पर कामयाबी हासिल हो रही है। तो रेडिको पे हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ से आपको इस सेक्टर में अगर एक स्टॉक लेकर के भूल जाना हो तो ये वो शेयर है। इस तरह की गिरावट में अगर मौका मिले तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाए,
ASM की वजह से, सर्किट फिल्टर बदलने की वजह से, किसी भी और टेक्निकल वजह से जब भी गिरावट आती है वो मौका चूकेगा नहीं। सुपर। अच्छा प्रदीप, कल के लिए कुछ रणनीति, कोई लेवल्स आपने सोचे हैं? क्योंकि अभी तो हम 11,000 के ऊपर आ गए हैं फाइनली निफ्टी पर, तो कोई लेवल्स पर्टिकुलर जिस पे खास नजर होगी? इस समय थोड़ा मुश्किल है कल का लेवल देना। इसकी बड़ी वजह यह है कि आज हमने बाजार में जो शार्प रिकवरी आते हुए देखी है, ये काफी अहम खबरों की वजह से आई है। जब रेगुलेटर, RBI, सरकार, LIC, सरकारी बैंक सब के सब एक साथ खड़े हो जाएं कि अब बाजार को संभालना है, तो उस समय बाजार का रुख पलट जाता है। और हमने सिर्फ खबर देख करके ही ये कॉल आखिर सौदा में लिया था कि आपको अब यहाँ पे अपनी मंदी की पोजीशन काट लेनी चाहिए, आपको तेजी ही करके जाना चाहिए या फिर मंदी काट के जाना चाहिए। तेजी भले ना करके जाए इस डर से कि भाई पता नहीं क्रूड का क्या होगा, ग्लोबल वो ठीक है, अगर वो सारी प्रॉब्लम है तो आप मत सोचिए, लेकिन मंदी काट के जाइए, तो वो व्यू बहुत क्लियर है। अब यहाँ से आगे ये जो उछाल आया है कहाँ तक टिकेगा, इसके लिए मुझे लगता है कि कल के बाजार का हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर हम कल के लेवल्स तय करेंगे, लेकिन जो आपने कहा 11,000 और 25,000 निफ्टी बैंक के लिहाज से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ओवरऑल किसी भी टेक्निकल ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए हमेशा चलना चाहिए। इनके ऊपर जितना हम टिकेंगे उतनी ज्यादा रिकवरी और बेहतर होगी, इसके नीचे फिर से फिसलते हुए नजर आए तो फिर मुश्किल है। चलो उम्मीद यही रखते हैं कि कल फिर से बाजार पॉजिटिव व्यू में रहे और 11,000 के ऊपर ये टीज बना रहे।